पश्चिमी बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वहां की सियासत गरमाई हुई है। बंगाल जीतने के लिए बीजेपी ने एड़ी से चोटी तक का पूरा जोर लगा रखा है। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज भी बदला हुआ है। लंबी दाढ़ी हो या फिर कुर्ता, या चाहे किसी बैठक में बैकग्राउंड में दिखने वाली कोई तस्वीर ही क्यों ना हो, सब में बंगाली टच जरूर नजर आता है। कल्पना बहुत मायने रखती है, खासकर तब जब आप राजनीति की बात करते हैं। जब राजनीति पश्चिमी बंगाल से जुड़ी हो तो कल्पना और मजबूत हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि हर बंगाली के दिल में कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के लिए सॉफ्ट और स्पेशल कॉर्नर होता है। शायद ऐसा कोई बंगाली परिवार न होगा जहाँ टैगोर की किताबें या रविंद्र संगीत के कलेक्शन ना हो। आज के युवा बेशक मॉडर्न म्यूजिक और हिप हॉप पसंद करते हो, मगर शाम को रविंद्र संगीत सुनते सुनते का अपना अलग ही मजा है, जिसकी तुलना दूसरे संगीत से कभी नहीं हो सकती। टैगोर की कविताओं पर काम कर चुके कवि सुदीप सेन कहते हैं, बंगाल के लिए टैगोर की प्रासंगिकता सर्वोपरि है। पुरानी पीढ़ी के लिए और विदेशों में बंगाली प्रवासी के लिए ये वैसा ही है जैसा समाज अपने समग्र अर्थों में शिक्षित, निष्पक्ष, समतावादी, भुखमरी से मुक्त और दूरदेशी होना चाहता है। युवा पीढ़ी के लिए टैगोर एक अतीत की वास्तविकता के तौर पर है, वैसे इस धारणा को तत्काल अपडेट करने की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि टैगोर जिस चीज के लिए खड़े थे उसकी प्रासंगिकता नहीं बदलती। यह उनकी दृष्टि को नई पीढ़ी के लिए एक ऐसी भाषा में आगे ले जाने का तरीका है जिसमें वे आसानी से समझ पाए। लिहाजा इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक नए लुक को लेकर बांग्लाभाषी ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी का अंदाज भी बदला हुआ है। लंबी दाढ़ी हो या फिर कुर्ता, या चाहे किसी बैठक में बैकग्राउंड में दिखने वाली कोई तस्वीर ही क्यों ना हो, सब में बंगाली टच जरूर नजर आता है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में भी पीएम मोदी का ये अंदाज सुर्खियां बटोर रहा है। मोदी के नए लुक को विपक्षी और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी टैगोर से प्रेरित बता चुकी हैं। ममता तो इस लुक के लिए कड़ी आपत्ति भी जाहिर कर चुकी हैं। हाल ही में पीएम मोदी की लोक कल्याण मार्ग की एक तस्वीर वायरल हुई थी जहां उन्हें मोर के साथ देखा गया था। ये तस्वीर शांति निकेतन की याद दिलाता है, जहां कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर घर की सीढ़ियों पर बैठकर पक्षियों के साथ समय बिताया करते थे। कोरोना महामारी को फैलाने से लगाए गए शुरुआती लॉकडाउन में ही पीएम मोदी का लुक बदल गया था। उन्होंने कई दिनों से बाल नहीं कटवाए थे और दाढ़ी बढ़ा ली थी। पहले लगा कि शायद लॉकडाउन में लोगों को घरों में रहने की अपील करने के लिए पीएम खुद गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया पीएम मोदी का लुक कुछ हद तक कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर से प्रेरित होता गया। बेशक विरोधियों ने इसका विरोध किया। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस बार बार प्रधानमंत्री बीजेपी को बाहरी बता चुकी हैं, ऐसे बाहरी जो सिर्फ चुनावी लाभ के लिए बंगाल से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने इसे सिरे से खारिज किया है। पार्टी के सांसद स्वप्न दास गुप्ता कहते हैं, टैगोर सभी बंगालियों और सभी भारतीयों के हैं, चाहे उनकी वोटिंग की प्राथमिकता कुछ भी हो। कवि गुरु किसी भी पार्टी की निजी संपत्ति नहीं हो सकते।